हाँ तू बोल दे हेलो के आर फैंस, वेलकम टू नितिश राणा। राणा नितिश जी जी और रिंकू क्या जी बोलना पहले? हेलो के आर फैंस बोलना। ऐसे ना, तो एक हैंडल पे तो हमने कर दिया, हाँ। अब किसमें? बायो पे है, इंस्टाग्राम बायो पे। ठीक है, बायो क्या पे? चलो अब सीएम मावी की बायो चेक करते हैं। स्माइल करता है तो साली आधी स्माइल गाजियाबाद जाती है, आधी नोएडा जाती है। मतलब हेलो केकेआर फैंस, ये है रिंकू जी, मैं हूँ राणा जी, और ये है हमारी सोशल मीडिया की पाठशाला। आज हम शिवम मावी के इंस्टाग्राम का पोस्टमार्टम करेंगे, उसको हम रेट करेंगे। मैं 10 में से नंबर दूंगा शिवम मावी को, और रिंकू जी 10 में से नंबर देंगे। पहले हम बात करते हैं शिवम मावी के हैंडल की। तो रिंकू, कैसा लग रहा है आपको शिवम_मावी? अच्छा, शिवम मावी। तो आप क्या रेट करोगे इसके हैंडल को? 10 में से मैं दूंगा 5 नंबर। क्यों? यार स्कोर लगाया। हाँ, और कुछ नंबर लिख देता पर नकली लकी नंबर जो भी है वो लिख देता, वो अच्छा रहता, काफी लोग लिखते हैं। अच्छा, मैं रेट करूंगा शिवम_मावी को 7 10 में से, क्योंकि अंडरस्कोर सब यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इसलिए मैं उसको 7 पॉइंट्स दूंगा। चलो रिंकू जी, हम शिवम मावी की बायो चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं पूरा। जैसे कि देख रहे हैं, शिवम मावी ने भी अपनी एज डाली हुई है, शायद मेरे ख्याल से 23 साल का ये, तो इसने एज डाली हुई है। बट इन पर्सन जब मैं इससे मिलूंगा, ये सवाल जरूर पूछूंगा कि इसने एज क्यों डाली है। अगर आप गूगल पे शिवम मावी लिखोगे तो इजीली पता लगता है मावी कितने साल का है। तो रिंकू जी, आप कितना रेट करेंगे इसकी बायो को? जी, बायो काफी अच्छी है, मैं करूंगा 10 में से 9। आपको कैसे, क्या क्या ऐसी चीज लगी जो आप इसको 9? नहीं, सबको मावी को तो सभी जानते हैं कि आईपीएल टीम से खेलता है, तो इसका मैंने एक पॉइंट डाला। तो जो सब जानते हैं वो इसने यहाँ क्यों लिखा हुआ, जो लोग नहीं जानते वो क्यों नहीं लिखा हुआ? तो आप कैसे 9 नंबर दे सकते हैं इसको? दे दिया, ये मेरी मेरी थिंकिंग है। मैं शिवम मावी की बायो को रेट करता हूँ 10 में से 6। बिल्कुल जी, एक बात बताएं कि ऐसा ये कितना टाइम पूल में बिताते हैं जो इनको घड़ी पहन के पूल के अंदर जाना होता है और इनको टाइम भी देखना होता है? ऐसा कौन सा इतना जरूरी काम ये छोड़ के आते हैं जो घड़ी पहन के जाते हैं? ऑल अबाउट शो ऑफ। तो ये दिखावा कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरी मेरे हिसाब से दिखावा है बहुत। स्माइल के बारे में क्या कहना है? मैं ये चीज पहले भी बोली थी, अभी स्माइल करता है तो सारी आधी स्माइल गाजियाबाद जाती है, आधी नोएडा जाती है। और सुन लेना की आलिया भट्ट ने इसकी तारीफ कर दी स्माइल की, तो साले ने और स्माइल खोल ली अपनी, कि और अच्छी लगने लगे लड़कियों को। अच्छा, तो रिंकू जी, आप इसकी फीड्स को कितना क्या रेटिंग देंगे? 10 में से दूंगा 6 नंबर। 6 नंबर देंगे आप? और मुझे ऐसा लगता है कि शिवम मावी की फीड को मिलने चाहिए 10 में से 6। तो आइए रिंकू जी, हम अब चलते हैं शिवम मावी के कैप्शंस की तरफ। ओके, तो पहला पोस्ट मैंने निकाला है ये, और इसका कैप्शन है मैच रेडी विद केकेआर। केकेआर के लिए तो आप खेलते ही हो, तो मेरे को लगता है कि ये बड़ा अननेसेसरी कैप्शन लिखा है इसने, जरूरत नहीं थी इसकी। आज रेटिंग पे आते हैं, आपको क्या लगता है रिंकू जी? को देता हूँ कैप्शन में 10 में से 8। तो ये हुआ शिवम मावी का पोस्टमार्टम, और मेरी तरफ से शिवम मावी को मिलते हैं 40 में से 27 पॉइंट्स। 27 27। यहाँ से हमें पता लगता है कि शिवम मावी कितने कंसिस्टेंट हैं अपने सोशल मीडिया पे। और यहीं पर हम ये एपिसोड खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जरूर किसी प्लेयर को लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए राणा जी और रिंकू जी के साथ।